नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप मौजूद हो मेरे साथ हिंदुस्तान सीवी न्यूज पर और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हम आपके साथ मौजूद हैं। आप मेरे साथ बने रहिए हिंदुस्तान सीवी न्यूज पर और देखते रहिए आंखों देखा हाल। ताजनगरी आगरा में ब्लॉक बिचपुरी की ग्राम पंचायत नगला बसुआ नई आबादी के लोग बिजली कनेक्शन न मिलने से परेशान हैं। अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं लेकिन उन्होंने कई वर्षों से कनेक्शन नहीं मिल पा रहा है। परेशान होकर ग्रामीणों ने सामूहिक रूप से भूख हड़ताल की चेतावनी दी है। इस संबंध में उन्होंने थाना मलपुरा और विद्युत विभाग मलपुरा को प्रार्थना पत्र दिया है। नगला बसुआ में लगभग 50 परिवार नई आबादी में रहते हैं। इन परिवारों का कहना है कि बिल्डर ने कॉलोनी में काटते समय उन्हें बिजली कनेक्शन दिलाने का वादा किया था लेकिन अब कॉलोनाइजर का अता पता नहीं है। इसकी शिकायत उन्होंने जिलाधिकारी के साथ साथ बिजली विभाग से भी की है। उन्हें हर बार सिर्फ आश्वासन ही मिला है। पीड़ित महिलाओं का कहना है कि उन्होंने बिजली कनेक्शन के नाम पर रुपयों की मांग की जा रही है। लोगों ने कहा है कि क्षेत्र के लोगों ने सामूहिक रूप से गांव में भूख हड़ताल और आमरण अनशन पर बैठने का निर्णय लिया है। इसकी जानकारी थाना मलपुरा के साथ साथ बिजली विभाग मलपुरा कार्यालय को दी गई है। इस दौरान यासीन खान, बबली, उपासना, गुड्डी, गीता, शारदा, दीक्षा समेत कई महिलाएं मौजूद रहीं और उन्होंने थाना मलपुरा को ज्ञापन दिया। तो आप मेरे साथ बने रहिए हिंदुस्तान सीवी न्यूज़ पर और देखते रहिए आंखों देखा हाल। आगरा से चोप सिंह सक्सेना की खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? सनोवर। कहाँ रहते हो? नई कॉलोनी आबादी में बसुआ के नगला में रहते हैं। अच्छा, बसुआ नगला का प्रधान कौन है? प्रधान तो पतौली में टीटू। अच्छा, पतौली में आता है। हाँ, अच्छा ये बताइए, टीटू शर्मा है और बेचारे वे भी कोशिश कर रहे हैं लाइट पर, वो करें क्या, वो भी हमारे साथ है। क्या परेशानी क्या है? परेशानी ये है कि लाइट नहीं है, बच्चे पढ़ने वाले हैं वो परेशान है, पानी नहीं है, बगैर बत्ती के परेशानी बहुत उठानी पड़ रही है। इसलिए आए तो आप? हम यहाँ आए इन वो देने के लिए, भूख हड़ताल की सूचना देने को। कब बैठोगे भूख हड़ताल? 10 तारीख की। कितने लोग बैठेंगे? सभी, सब पूरी कॉलोनी बैठेगी, सब परेशान है। 50 घर तो है ही है। 50 परिवार है, सब परेशान है। सांप भी थी रात को, जानी जनावर आ जाते हैं। अच्छा, तंगी बहुत। आपने कहाँ कहाँ इसकी मांग की? आपने कहीं मांग की है? हाँ, मांग की है सब जगह। कमला नगर गए, मलपुरा ऑफिस में गए हैं। क्या कह दिया गया आपको? और जेई के यहाँ गए हैं। क्या कह दिया गया आपको? वो कह देते हैं कि चलो हम आ रहे हैं, नकारी करेंगे, तुम्हारी बत्ती आ जाएगी। और पता नहीं बात प्लॉट लिया गया था, क्या कहा गया था? उन्होंने बोला था कि तुम अच्छे से मकान बनाओ, रहने लग जाएंगे, बत्ती दे देंगे तुम्हें। वो डीलर क्या कह रहा है? अब आ ही नहीं रहे हैं। वो कह रहे हैं मैंने पैसे जमा कर दिए हैं, यहाँ सूचना मिली है कि वो फर्जी रसीद कटी है, उनकी पैसा जमा ही नहीं हुआ। यानी ना तो आपको डीलर लाइट दे रहा है, ना आपको कोई नहीं दे रहा है, ना तो सरकारी मदद कर रही, ना डीलर ही मदद कर रहे हैं, और परेशानी में बीच बीच में फिस रहे हैं हम। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम यामीन खान है। मैं नई आबादी नगला बसुआ ग्राम पंचायत पथौली थाना मलपुरा ब्लॉक बिचपुरी तहसील सदर जिला आगरा उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हूँ। यहाँ किस लिए आए थे? यहाँ इसलिए हम आए थे कि हमारे 50 सामूहिक परिवार जो हैं अपने अपने मकान बनाकर नई आबादी क्षेत्र में रहते हैं। पिछले 3 वर्षों से हमें किसी भी तरह का सौभाग्य योजना, सुगम योजना का विद्युत संयोजन नहीं दिए गए। इस विषय में हमने 20 ज्ञापन DM साहब के माध्यम से एक्सीएन महोदय को दिए, SDO महोदय को दिए। 3 साल से हमारी कोई सुनाई नहीं है। हमारी बहु बेटियाँ अंधेरों में रहती हैं, चोरी आदि का डर रहता है और विद्युत विभाग की घोर लापरवाही से अभी तक हमें विद्युत संयोजन नहीं दिए जा रहे हैं। आज 5/11/2000 को 11:15 पर हम जेई सहरावी गए, SDO ऑफिस में गए। SDO साहब ने हमसे कहा कि 40,000 रुपये 35 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से पेमेंट देंगे जब आपका कनेक्शन लगेगा। मैं सर गरीब आदमी है, 40,000 रुपये देने में असमर्थ हैं, लिहाजा कोई दूसरी योजना बनाएं। और उनका ये कहना है कि बिल्डर ने पैसा जमा नहीं किया। बिल्डर का ये कहना है कि हमने 182,000 रुपये आउटस्टैंडिंग क्लियर कर दी है। हम लोगों को गुमराह किया जा रहा है, धोखे में रखा जा रहा है, शासन हमारी सुन नहीं रहा है। हमारा अधिकारियों से निवेदन है कि हमारी शासन तक मांग को पहुँचाएँ। हमने 24/10/2020 को SSP महोदय, DM महोदय, डिप्टी CO, LIU को सूचना दे दी है। हम संयुक्त परिवार 50 सामूहिक भूख हड़ताल आमरण अनशन पर 10/11
2020 को बेबस एवं दुखी होकर बैठ जाएंगे। कहाँ पे बैठोगे आप लोग? हम ये वहीं नगला बसुआ आबादी क्षेत्र में, क्योंकि सबके बच्चे छोटे छोटे हैं, चोरी आदि का डर है। तो हमारी मीडिया से भी आग्रह है कि हमारी सहायता करें, हमारी आवाज़ को शासन तक पहुँचाएँ। सारी लेडीज आपके सामने ज्ञापन देने के लिए गई थी, और सूचना श्रीमान एसओ महोदय अनुराग शर्मा जी को भी हमने भूकर्ता आमरण मिशन की सूचना दे दी है। चौकी इंचार्ज ये मिठाकुर को भी सूचना दे दी गई है, डीएम साहब को, एसएसपी साहब को और एलआई वगैरह को दे दी गई है। तो हमारा मीडिया से आग्रह है कि हमारी आवाज़ को शासन तक पहुंचाएं, हमें विद्युत संयोजन दिलाने का कष्ट करें। धन्यवाद। राहुल, क्या नाम है आपका? सर, मैं मछला देवी बोल रही हूँ, नवरा वसुधा नैयावादी से। हमने धोखेधड़ी से प्लॉट में रखे गए, हम वहाँ पर आके रहने लगे, तो हमसे गई थी हम बत्ती देंगे तुम्हें। हमने डीलर ने बत्ती नहीं दी, 3 साल से हम परेशान हैं। हमारे बच्चों को डर है, जिनावर भी आ जाते हैं, गारूबाज भी आ जाते हैं, जुआ वाले भी आ जाते हैं, कुछ ट्रेटर भी आ जाते हैं। सियानी समानी हमारी बहन बेटी हैं, उनका डर है, ना तो लेटरिन को जा सकती हैं और ना हमारी बहन बेटी घर से बाहर निकल सकती हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, पढ़ने लिखने में भी परेशान है। हो गया आपको रहते हुए? 3 साल हो गए, उन्हें 4 साल हो जाएंगी, मुझे हो रही आ रही है। तो आज यहाँ थाना मलपुरा में किस लिए आए? हम इसलिए आए थे, हम 10 तारीख को भूख हड़ताल पर बैठ रहे हैं। हमारी इनसे दरखास्त है कि हमें रोका नहीं जाए, कि हमारी मांग पूरी नहीं होगी जब तक हम भूख हड़ताल से उठेंगे नहीं। मांग क्या है आपकी? हमारी मांग यही है, हमें लाट चाहिए। तो किससे कहा आपने, किसी से कहा आपने? हाँ, कहे बत्तीवारों से कहिए, यहाँ थाने भी कहिए। कार्यालय गए आप? हाँ गए थे। कहाँ पे गए थे? यहाँ गए थे मलपुरा पे। क्या कह दिया? कमला नगर भी गए थे। हमसे यही कह दी जाती है कि 10 तारीख को आ जाएगी, 20 तारीख को आ जाएगी, आप क्यों परेशान हो रही हो, आप पैसे भर दो। कोई कहता है 40,000 भर दो, कोई कहता है 15,000 रुपये भर दो। सर, गरीब आदमी है, कहाँ से लाएं ना? हमारे बच्चों के लिए भी बहुत समस्या ख़राब है। वैसे तो काम धंधे है नहीं है, अगर जाते भी हैं तो रातों रात आते हैं, कोई 11 बजे आ रहा, कोई 10 बजे आता है। तो वहाँ पर रामेश्वरी कॉलेज में कुछ लोग गुंडे ठाड़े हो जाते हैं, बच्चों की मारपीट करते हैं, मोबाइल छुड़ा लेते हैं। हमारी बहुत समस्या ख़राब है, हमारी सुनवाई की जाए। तो आप क्या करोगे? अब हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे। कब करोगे, कहाँ करोगे? 10 तारीख पे करेंगे, अपनी कॉलोनी में जहीं हम रहते हैं, नई आबादी में बसुआ नगर, वहीं पे करेंगे। तो आपने थाना अध्यक्ष को, महोदय को अवगत कराया? हाँ हाँ, दे दिया। इस समय मौजूद हो आप मेरे साथ थाना मलपुरा पर। थाना मलपुरा पर एक ये प्रतिनिधि मंडल मौजूद है, इन्होंने बताया कि नगला बसुआ के रहने वाले हैं, जो कि थाना मलपुरा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ब्लॉक बिचपुरी की ग्राम पंचायत पथौली का नगला बसुआ में रहने वाले ये 50 परिवार काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। इन परिवारों का कहना है कि उन्होंने विद्युत विभाग के कई चक्कर लगा लिए, परंतु उन्हें कनेक्शन नहीं दिए जा रहे हैं। वहीं जिस डीलर से, यानी जिस प्रॉपर्टी डीलर से इन्होंने प्लॉट खरीदे थे, वो भी इन्हें गुमराह कर रहा है। कुल बात यह है कि प्रॉपर्टी डीलर और विद्युत विभाग के बीच ये पिसकर रह गए हैं और दोनों के चक्कर लगा रहे हैं, परंतु उन्हें आज तक 3 साल में लाइट नहीं मिली है। अब इन्हें अपने भविष्य को लेकर, यानी बच्चों की चिंता है, और बच्चों के अंधकार में रहना इन्हें काफ़ी अखर रहा है। इसलिए ये आने वाली 10 नवंबर से परिवार के सहित नगला बसुआ में भूख हड़ताल की बैठने जा रहे हैं, और इनकी मांग है कि जब तक इनको विद्युत विभाग द्वारा बिजली के कनेक्शन नहीं दिए जाएंगे, तब तक ये इसी प्रकार भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे, जिसकी शिकायत आज इन्होंने थाना मलपुरा प्रभारी को दी है। चोप सिंह सक्सेना, आगरा। इसी पे आई।